हेलो गाइस, वेलकम टू तीजी मेडिनीस। तो गाइस, स्वागत है एक और सुपर फास्ट न्यूज़ के बारे में। तो हम बात करेंगे आज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अपडेट के बारे में। तो काफी टाइम पहले कंफर्म हुआ था केविन फाइगी ने कि जेम्स गन जैसे ही फायर हुए थे तो उनकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट को यूज करा जाएगा। अब उससे रिलेटेड एक और कमाल का अपडेट ये आया है कि हम मार्वल फैंस काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। अगर मार्वल मूवी में कोई भी छोटा सा इमोशनल सीन आ जाए तो हम रो पड़ते हैं। ऐसी कौन सी मूवी है एमसीयू की जो आपको सबसे ज्यादा इमोशनल करी है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब पता ये चला है कि जेम्स गन की जो स्क्रिप्ट थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, वो ऑलरेडी पूरी बन चुकी थी और फाइनली उसे यूज करा जा रहा है। और यूज करने के बाद अब पता ये चला है कि वो स्टोरी इतनी ज्यादा इमोशनल है कि आपको रोने पे मजबूर कर दी थी। और ये मार्वल फैंस के लिए काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसी मूवी हमें दिल से टच करती है जिसमें कि किसी कैरेक्टर की मौत हो, जो कि हमें एवेंजर 4 में दिखने भी वाला है। तो ये अपडेट है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का। और फाइनली कर्लिन, जो कि नेबुला का रोल प्ले करती है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, यानी कि ये मूवी बन रही है, ये मूवी कोई डिले नहीं है, जो कि केविन फाइगी ने बोला था। कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पे हैंडल के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।